हाय गाइस, गुड मॉर्निंग। फर्स्ट ऑफ ऑल सॉरी क्योंकि मैंने इतने दिनों से व्लॉग नहीं डाला, क्योंकि हम लोग दोनों बहुत ही ज्यादा आलसी हो रहे थे और कुछ कर ही नहीं रहे थे, बस बेड पे ऐसे ही पड़े हुए थे, फोन चला रहे थे बेड पे पड़े होके। हाँ, तो अब फाइनली आज हम लोग सुबह सुबह निकल गए हैं। अभी मॉर्निंग 6:30 हो रहा है, इधर जाना है और हम लोग जा रहे हैं मॉन्ट ट्रेम्बलो। यहाँ पे पास में एक है जगह, एक छोटा सा विलेज है क्यूबेक में। हाँ, तो वन डे ट्रिप के लिए जा रहे हैं, वन डे ट्रिप के लिए जा रहे हैं। हमारा स्टे का भी है वहाँ पे, बट वो हमने फॉल के टाइम पे बुक कर रखा है, अभी हमें बुकिंग्स मिली नहीं। तो अभी हम सिर्फ वन डे ट्रिप के लिए जाएंगे, अभी सुबह जा रहे हैं और रात में वापस आ जाएंगे। और यहाँ पे टूर्स एंड ट्रैवल्स की एक बसेस चलती हैं, वंडर ट्रैवल्स, उनके थ्रू जा रहे हैं। वो पूरा गाइड करेंगे, लेके जाएंगे, लेकर आएंगे वापस, तो पूरा मतलब रहेगा आज सुबह से लेकर शाम तक। और अभी हम जा रहे हैं, हम ऑलरेडी लेट हो चुके हैं, हमें 7:45 पहुँचना है और ऑलरेडी 7:35 हो गए हैं, 15 मिनट्स का वॉक है। हमारा प्लान था कॉफ़ी भी लेने का, जो कि हम शायद स्किप करने वाले हैं क्योंकि अब हमें लेट हो गया है। तो जहाँ पे वहाँ पे एक जगह स्टॉप होगा, हम वहाँ पे कॉफ़ी ले लेंगे। तो गाइज, आप लोग भी चलिए आज मेरे साथ मॉन्ट ट्रेम्बलो। अब मेरे पास भैया गोप्रो नहीं है, ड्रोन व्रोन नहीं है, तो कोई बहुत अच्छे शॉट्स तो मैं नहीं ले पाऊंगी ऑफकोर्स, बट जितना भी लूंगी मैं अपने इस फोन से ट्राई करूंगी लेने का। तो आप लोग भी चलो और हमारे साथ एंजॉय करो। अच्छा गाइज, एक बात तो बताया ही नहीं, हम दोनों फुली वैक्सीनेटेड हो चुके हैं, हमने अपना सेकेंड डोज ले लिया था अभी लास्ट वीक, तो इसलिए हम घूमने जा रहे हैं। ऐसा नहीं है इसलिए हम घूमने जा रहे हैं लेकिन चलो ठीक है यार, समझ लो जो समझना है। I don't know reverse number. Which one is going to Mont Tremblant? Mont Tremblant, I think that one. Mont Tremblant, yeah. गाइस, हम निकल चुके हैं और एज यूजुअल हमारी तैयारी में एक कमी रह गई, हम पानी नहीं लाए हैं। हमने सोचा था कि हम रास्ते में खरीदेंगे, बट हम लेट हो गए, हम दौड़ दौड़ कर आ गए। और अभी हमने सोचा था कि एक पहले एक छोटी सी विलेज में ये रोकने वाले थे, जो कि यहाँ से शायद 45 मिनट्स था, तो हमने सोचा ठीक है वहाँ से ले लेंगे। अभी पता चला कि प्लान में चेंज हो गया है, अब वो विलेज हम लोग को ये रास्ते में आते टाइम दिखाएंगे, अभी सीधे मॉन्ट ट्रेम्बलो जा रहे हैं। 1 आवर 30 मिनट्स दूर है। हाँ, 1 आवर 30 मिनट्स बोल रहे हैं, ऑलमोस्ट 40 तो हो ही जाएगा, तो तब तक हमको प्यासे बैठना पड़ेगा और हम कुछ खा भी नहीं सकते क्योंकि प्यास लग जाएगी। हम लाए थे पता है चिप्स, आलू का पराठा, चॉकलेट, बिस्किट, कुछ नहीं खा सकते। गाइस, हमारे साथ हर बार कुछ ना कुछ हो ही जाता है क्योंकि कितनी भी तैयारी कर लो कुछ ना कुछ, क्योंकि हम खुद को तैयार करने में ज़्यादा टाइम लगा देते हैं। सुबह आधा घंटा लगा है हम लोग को मेकअप करने में, हम कैसे लग रहे हैं ये बता देना पीछे वाले। तो अब हम मिलते हैं आपको सीधा मॉन्ट ट्रेम्बलो में, और अगर बीच में कुछ एक्साइटिंग हुआ तो फिर दिखाएंगे। हाँ, तब तक हम अपने गाने वाने सुनते हैं और सीधे आपको वहीं मिलते हैं। 1 hour and then we're leaving stays over about 5 o'clock and we're gonna be heading to Montreal. So मेरा बुढ़ापा इतना ज़्यादा आ गया है कि मैं जब बस से उठी ना, मेरे घुटने में जोर पड़ गया और मुझे 1 मिनट लग गया अपना घुटना पकड़ के मैं खड़ी हुई थी कि मेरे घुटने में दर्द हो रहा था बहुत जोर से, सच में काफी बुरा हाल हो गया है यार। क्या पिक्चर्स आएंगी यहाँ पर है ना, देखो। हाँ यार, हम तो आगे से मॉन्ट ट्रेम्बलो, सब मुझे देख रहे हैं कि मैं क्या कर रही हूँ। पांडे को कैप्चर कर लेते हैं, पहले मैं अपने शेड्स निकाल लूँ। हमेशा अभी वहाँ से यहाँ पे समर चल रही है, बट जब हम निकलते तब ऑफकोर्स आंधी तूफान बारिश ठंडी तो होनी है। बहुत ठंडी दिखा रहा था, आज बहुत ठंडी है ना, एक्चुअली दिखा ज़्यादा रहा था बट अभी तो नॉर्मल लग रहा है। चलो ठीक है गाइज, तो ये है मॉन्ट ट्रेम्बलो। अब यहाँ क्या करना है, देखते हैं।
बाय। ठीक है। मेरा गेटअप कैसा लग रहा है मम्मी? आंटी को कह रही थी माउंट एवरेस्ट। आंटी क्या कहती है? मम्मी नहीं, भाई कहता है अरे सुपारी थूक के बात करो। कहता है ट्रेम्बलो ट्रेम्बलो क्या है। फिर मम्मी को कहता है अरे माउंट आबू गई है, चलो चलो। मेरे मुंह क्यों लड़खड़ा रहा है? हमने वॉशरूम हो रुको इनकी हेयर स्टाइल ही नहीं बन पा रही है। तो अभी वी आर ऑल सेट, हमने पेट वेट हमारा पूरा भर गया है, हमने खा लिया अच्छे से। अब हम जा रहे हैं ऊपर ऐसे इससे केबल कार से, दिखाती हूँ। अब हम इससे जाएंगे ऊपर, अभी थोड़ा सा भीड़ हो गई है तो थोड़ा टाइम लगेगा। तुमको पता है ये मैं ना, तुम बैठी हो इसमें कभी? ये मैं फिफ्थ क्लास में ही बैठी हूँ, हरिद्वार में चंडी देवी मनसा देवी की चढ़ाई में। उड़न खटोला बोलते हैं वहाँ उसको। अभी हम एक स्टेप नीचे आए हैं, अभी हमें और ऊपर जाना है। और ये पूरा एक विलेज है, बहुत ही क्यूट सा, यहाँ पे लोग रहते हैं। क्या बोल रही हूँ। इतनी लंबी क्यू है, इसकी लाइन है लाइन में। तो गाइस अभी बहुत लंबी लाइन है, लाइन लगा के हमको जाना है इसमें से। और फोकस लो हाँ, इसमें से ऊपर जाएंगे और उसके बाद गो कार्टिंग करते हुए, मतलब गो कार्टिंग नहीं बट काइंड ऑफ गो कार्टिंग करते हुए नीचे आएंगे। Hi. How are you guys? Good, thanks.